हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये घटना चक्र एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम करेंगे एनवायरनमेंट का चैप्टर। तो कर ही रहे हैं तो, और ये हमारा दूसरा चैनल है लव लाइव विद जॉय, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये रहा हमारा दूसरा चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट लव, और ये है लास्ट लेक्चर। आज आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट का घटना चक्र। अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए आप कंप्लीटली घटना चक्र देखिए। और आपको पता ही होगा पीसीएस आर ओ आर ओ एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है घटना चक्र। ओके, स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्य। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर वर्ष 1984 में तथा महाबोधि मंदिर वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए। 2010 के यूनेस्को द्वारा जंतर मंतर को शामिल करने पर भारत विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 28 पर पहुंच गई, और वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट को इनमें शामिल करने पर यह 29 हो गई। उल्लेखनीय है, यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर निर्मित 6 पहाड़ियां किलो चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, जैसलमेर किला, आमेर किला, गागरौन किला और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के बाद इनकी संख्या 30 हो गई थी। वर्ष 2014 में रानी की वाव गुजरात तथा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर दर्जा दिए जाने के बाद भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 32 हो गई। इसके पश्चात नालंदा महाविहार, कंचनजंगा नेशनल पार्क तथा कार्बोजिए की वस्तु शिल्प कार्य कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ वर्ष 2016 में सूची में जोड़े गए। 2017 में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद में को भी इसमें शामिल किया गया। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 42वीं वार्षिक बैठक जून जुलाई 2018 से मनामा बहरीन में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत सहित विश्व के कुल 19 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये वर्तमान विश्व धरोहर की संख्या बढ़ गई है, ये पहले का डेटा है। तो यहाँ पर कुछ विश्व धरोहर को आप देख सकते हैं। विश्व धरोहर क्या, ये क्या है विश्व धरोहर, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कुल्लू है, चंडीगढ़ है, यहाँ पर देखिए लाल पल किला परिसर, हुमायूं का मकबर, कुतुब मीनार, कंचनजंगा, सिक्किम का महाबोधि मंदिर परिसर, भीमबेटका बौद्ध स्मारक, भीमबेटका पासाड़, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, मृत पटल, सब कुछ दिए गए हैं। तो अभी देखते हैं जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित करने के साथ भारत में अगस्त 2010 तक कितने स्थलों को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो ये 28 अभी कितने हो चुके हैं आप बताइए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हाल ही में सम्मिलित की गई इमारतें हैं कौन सी, उस समय की है न्यूज, तो महाबोधि मंदिर था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कई है, ये भी है, ये भी है। तो पुरातत्व स्थल विश्व धरोहर में तथा महाबोधि विहार ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एपीको पी हेगड़े सही है, चिपको आंदोलन, एलएल बहुड़ा ये भी सही नहीं है, नर्मदा आंदोलन, मेघा पाटकर ये भी सही, सांत घाटी आंदोलन, इबाम्बा आमटे गलत है, ये सलीम अली था। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो वह जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन साथ। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? तो वो यह पर्यावरण को उजागर करने के लिए किया गया, पर्यावरण को नहीं, ये विस्थापितों के पुनर्वास के लिए समस्या को। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो वह है फसली भूमि। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस दिल्ली में की जा रही है? तो वो तो उस टाइम का न्यूज है, तो इस हार में की जा रही थी। तो ये मिलान करना है। असम में क्या है? असम में है, असम में काजीरंगा है, गुजरात में गिर है, मध्य प्रदेश में कौन सा है? गुजरात में गिर है, मध्य प्रदेश में कान्हा है, उत्तराखंड में कार्बेट है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी सही। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो वह है सीता अशोक का वृक्ष, आप देखते होंगे पेड़ सड़कों किनारे लगाए जाते हैं।
पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के हरित भवन ग्रीन इंडियन मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए इस द्वारा हरित लेखागार को अमल में लाना, या कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, या जिससे विश्व में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, या वन आच्छादन की न्यूनीकरण मतलब और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों की जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। तो केवल तीसरा सही, ये दोनों गलत हैं। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, पढ़ लीजिए। प्राकृतिक आपदा हाशीकरण के अंतर्गत दशक अंतरराष्ट्रीय दशक माना जाता है, तो 1990 से 99 के बीच माना जाता है, इसमें नहीं है, वही गायब ही है। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, कब बनाया गया था? 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब गठन हुआ? 2005 में। मैंने 1905 बोला क्या? 2005 है। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो वह है पुनर्निर्माण। निम्नलिखित में से किस मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो वह जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? तो वह है कोलोकार्ट। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है कहाँ पर स्थापित है? तो वह स्थापित है कैगा तथा कल्पक्कम में। अगला क्वेश्चन है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं, और उनके घास में चलते चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ने हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पक्षी हैं? तो कौन से हैं वो? वो है साधारण मैना और चित्रक बालक, काली गर्दन, ये नहीं है। निम्न में से कौन सी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादक सबसे कम है? तो वह है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश के। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ पर? कच्छ में है। भितरकनिका, जिसे अभी हाल ही में विश्व धरोहर के स्थल में सूची शामिल किया गया, स्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में। तो यहाँ पर देखेंगे, हम मिलान करेंगे कौन सा कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और बांदीपुर कर्नाटक, केरल अल्लाम जाओ मणिपुर, इस तरह से हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2-1, हाँ ये हो जाएगा, विविध कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। इसकी नींव 21 मई 2003 को रखी गई थी। और सुनामी तरंग नहीं बल्कि तरंगों की श्रृंखला होती है जो महासागरीय नितल के निकट अथवा उसके नीचे भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पैदा होता है। सुनामी महासागरीय नितल भूकंप भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गम से पैदा होती है। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया। 18 मई 2002 को केंद्रीय पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। हीलियम एक अक्रिय तथा ज्वलनशील गैस है। इसकी उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के गुब्बारों को भरने में करते हैं। मानव के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए विशुद्ध शुद्ध वातावरण एवं जलवायु पहली प्राथमिकता है, अतः शुद्ध वातावरण के लिए वनारोपण आवश्यक है। लैंडसैट उपग्रह में यदि किसी को क्षेत्र का आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा 1 सप्ताह बाद उपलब्ध होगा। हरिकेन कैटरीना और हरिकेन विल्मा एवं हरिकेन रीटा तीनों ही वर्ष 2005 में आए हरिकेन तूफान है। तो यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं, तो त्वचा का कैंसर किससे होता है? पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से होता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। तो यहाँ मिलान करना है, त्वचा किससे? पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि किससे होता है? कार्बन डाई ध्वनि की मात्रा डेसिबल। वैश्विक तापन किससे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से होगा। ओजोन क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये त्वचा का कैंसर फिर से है, पराबैंगनी किरण, ध्वनि प्रदूषण, फिर ये हो जाएगा ध्वनि डेसिबल, फिर वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वही क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो होती है समुद्र के भीतर उत्पन्न उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो वह है गंगा की डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो वो हीलियम को भरने के लिए। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है वनारोपण। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसैट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो वह होगा उसी समय स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिनों बाद। निम्नलिखित में से किस हरिकेन कन ने 2012 में
यूएसए के उत्तर पूर्वी तटीय को तट को प्रभावित किया था, दुष्प्रभावित किया था, प्रांतों को दुष्प्रभावित किया था, तो किया था सैंडी ने। तो ये उस टाइम के करंट न्यूज है, जो भी आते हैं चक्रवात तो वो करंट में पूछ लेता है। निम्नलिखित में से किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो कहा जाता है मिंटोना को। इकोमार की योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पाद को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकर हो। और निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत सूचित नहीं है, तो वह है औषधियों प्रतिजैविक। भारत में पूर्व सेमेस्टिक वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के अनुसार किस निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करने करना अनिवार्य है, तो वो है संगठनों की सूची में संयोजी शामिल हो और पोषक विशेष सूचक ये भी शामिल हो। चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ संशोधियां यदि कोई हो है, तो उसको, या शाकाहारी मांसाहारी, तो ये नहीं है, बाकी ये है। 1 2 4, 1 2 4, ये ऑप्शन सही है। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनिट द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिव्यक्त है, तो वह है M.S. स्वामीनाथन। प्रायद्वीपीय भारत निम्न युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ, तो वह हुआ था प्लिस्टोसीन हिमयुग में। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, यह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है, या कौन सा है, यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। तो जो बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन नहीं आती है, बल्कि यह क्रिया अनुसंधान शिक्षा एवं लोगों को जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने के लिए ये सब उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो नेचुरल सोसाइटी 1883 में स्थापित गैर सरकारी संगठन है, भारत में संरक्षण जैव विविधता संबंधी शोध में संलग्न है, क्रिया आंतरिक अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से लोगों प्रकृति को बचाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो वह है धान। धान नहीं बल्कि सेम, चना, मटर, ये सब है। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है, उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से है, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो हाल ही में कितने भारतीय समुद्री तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशंसित किया गया है, तो 6 7 8 9, तो वो 8। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो यह हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में प्रारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न सी का उत्तर माना गया, जो कि गलत है, तो बिहार से नहीं हुआ था। विश्व के सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, वह है इकोर्निया। तो इस तरह से आपका ये घटना चक्र जो है खत्म होता है यहीं पे। अब हम करेंगे आपका जो बचा हुआ है हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, घटना चक्र कंप्लीट हो गया, अब इसका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाइए, कंप्लीट वीडियो देखिए और RO IRO में जी जान से लग जाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ होने वाला है और वैकेंसी बहुत कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।